इम्पोर्टंट कंपनी स्टीम इंडिया ए कोलसो वगे थतो होवानी शंका ना आधारे तपास बाद भोपाळो पकड़ायो हतो। कंपनी नो सुपरवाइजर फरार छे। क्राइम ब्रांचे जिया उड़िया रोड पर पेटा कॉन्ट्राक्टरे कोलसो खाली करवा बनावेला गोडाउनी बहार थी सगे वगे करेला कोलसो साथे 5 ट्रक पण कब्जे करी हती। सूरत ने सचिन जीआरसी स्थित स्टीम हाउस इंडिया लिमिटेडे इंडोनेशिया थी आयात करेलो रूपया 9 लाख नी मत्ता नो 119 टन कोलसो कंपनी ना खरवासा स्थित गोडाउन में खाली करवाने बदले कंपनी ना सुपरवाइजर साथे मली सगे वगे करना ट्रांसपोर्ट ना पेटा कॉन्ट्राक्टर की क्राइम ब्रांचे धरपकड़ करी। तेने कोलसो खाली करवा जियाबुड़िया रोड पर बनावायेला गोडाउन बहार थी सगे वगे करेला कोलसो साथे 5 ट्रक पण कब्जे करी हती। ज्यारे कंपनी नो सुपरवाइजर फरार थई जता तेनी शोधखोळ आधरी छे। क्राइम ब्रांच पासेथी प्राप्त थती माहिती मुजब सूरतनी सचिन जीआरसी स्टीम हाउस इंडियानी कोलसो लिमिटेड थकी बॉयलर मां स्टीम जनरेट करी कॉमन बॉयलर पाइपलाइन द्वारा इंडस्ट्रीज ने पूरी पाड़े छे। कंपनी इंडोनेशिया थी कोलसो आयात करी दरियाई मार्गे मगदला पोर्ट पर मंगावे छे। जहाज में आवेला कोलसा ने पोर्ट पर थी कंपनी ना ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्राक्टर समर्थ साइन ट्रांसपोर्ट मार्फते कंपनी ना खरवासा सीध गोडाउन में खाली करवामां आवे छे। पोर्ट पर कोलसाना जत्थानी तमाम देखरेख सुपरवाइजर रुद्र प्रताप सिंह त्रिलोकी नाथ सिंह करतो हतो। ज्यारे खरवासाना गोडाउनु संचालन सुपरवाइजर बालकृष्ण उर्फे वीरू धर्मेन्द्र झा करे छे। दरमियान छेल्ला केटलाक समयथी कोलसानो जत्थो सगे वगे थतो होवानी शंकाने पगले कोलसो खाली करतो वीडियो कंपनीना व्हाट्सएप ग्रुपमां अपलोड करवानुं शरू करायुं हतुं। गत मंगळवारे रात्रे सुपरवाइजर बालकृष्ण उर्फे वीरू सचिन मुल्ला डाइंग चोकड़ी पासे जलाराम वे ब्रिज खाते कोलसो भरेली ट्रक ना वजन माटे हाजर हतो त्यारे ट्रक नंबर ना चालके आवी खरवासना गोडाउन मां कोलसो खाली करी ई वेल बिल रिसीव करी आपवानो कह्युं हतुं। आथी बालकृष्ण उर्फे वीरूए व्हाट्सएप ग्रुप मां कोलसो खाली करियानो वीडियो अपलोड कर्यो छे के केम ते ચકાસતા કોઈ વિડીયો ન હોય ઈ વે બિલ રિસીવ કરવાની ના પાડી કોલસો ખાલી કર્યો છે તેમ પૂછતા ટ્રક ચાલક ચાલુ ટ્રક લઈને જતો રહ્યો હતો। તેની પાછળ બીજી 4 ટ્રક પણ ગઈ હતી। આથી તેને શંકા જતા તેણે કંપનીના ડિરેક્ટર લલનકુમાર યાદવને જાણ કરતા તેણે બાલકૃષ્ણ ઉર્ફે વીરુને ટ્રકોની ખરાઈ કરવા કહ્યું હતું। જે 5 ટ્રક રવાના થઈ હતી તે સમર્થ સાઈ ટ્રાન્સપોર્ટના પેટા કોન્ટ્રાક્ટર ભરત પાટીલની હતી। આથી તેનો અને સુપરવાઇઝર રુદ્રપ્રતાપસિંહનો સંપર્ક કરવા પ્રયત્ન કરતા બંનેના મોબાઈલ ફોન બંધ હોય તેમણે ભેગા મળી 5 ટ્રકો ભરેલો રૂપિયા 9 લાખની મત્તાનો 119 ટન કોલસો સગે વગે કર્યો હોવાની ફરિયાદ લલનકુમાર દયાનંદ યાદવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં નોંધાવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, LK Star News, સુરત।